अब आज का जो हमारा क्वेश्चन है अभी तक अब हमने सिंगल एंगल स्ट्रट देख लिया क्या होता है इसका हम डिज़ाइन कैसे करते हैं डबल एंगल स्ट्रट का हम डिज़ाइन कैसे करते हैं फिर हमने डिज़ाइन ऑफ एक्चुअली कॉम्प्रेस्ड मेंबर कॉलम देखा और उसके दो क्वेश्चंस देख लिए ठीक है तो अब हम क्या करते हैं अब हम सिंगल एंगल स्ट्रट का एक क्वेश्चन करते हैं ओके okay? देख लीजिए मतलब सिंगल एंगल स्ट्रट का एक क्वेश्चन है हमारे पास इट सेज अ सिंगल एंगल डिस्कंटिन्यूस मेंबर आई एस वन हंड्रेड टेन क्रॉस वन हंड्रेड टेन क्रॉस टेन एम एम विद सिंगल वोल्टेड कनेक्शन इज टू पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग ठीक है कैलकुलेट द डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन एफ वाई इक्वल्स टू फिफ्टी एम पी ए तो हमें क्या देखे हैं अब हम गिवन अपना लिखेंगे हमें देखे हैं इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन दैट इज 110 क्रॉस 110 टेन क्रॉस 10 एम ठीक है तो इससे हमें एक चीज पता चल जाती है दैट दिस इज इक्वल एंगल सेक्शन फाइन वन बोल्टेड कनेक्शन है हमारे पास ये कहां पर हमें यूज होगा मैं आपको आगे दिखाऊंगी लेंथ जो हमारे इसी सिंगल एंगल डिस्कंटिन्यूअस मेंबर की है वो 2.5 पॉइंट मीटर्स है ठीक है ये डिसकन्टिन्यूअस मेंबर क्या होता है ये मैंने आपको दिखा दिया था पुराने लेक्चर्स में ये ये मैंने आपको बोल दिया था दिस इज वॉट यू कॉल एज द डिस्कटिन्यूअस स्ट्रट डिस्कटिन्यूअस मेंबर ठीक है ये एक हो गया एक स्ट्रट लगा दिया खत्म हो गया दूसरा स्ट्रट खत्म हो गया तीसरा स्ट्रट सो दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस मेंबर ठीक है ओके okay, तो ये एक बोल्डेड कनेक्शन इसमें है और इस जो ये हमारा डिस्कंटिन्यूस मेंबर है सिंगल एंगल डिस्कंटिन्यूस मेंबर इसकी लेंथ 2.5 मीटर्स है ठीक है हम इसको एम mm में कन्वर्ट कर लेंगे दैट इज 2500 फाइव mm. उसके बाद आप ये भी लिख के रख लीजिए कि आपका मॉड्यूलस ऑफ स्टील जो है दैट इज ट्वेंटी ट्वेंटी पावर फाइव न्यूटन पर एमएम स्क्वेयर एफ वाई का वैल्यू टू फिफ्टी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर क्वेश्चन में देखे हैं। अगर नहीं देखे होता तब भी हम एफ 250 टू फिफ्टी लेते अगर आपको नहीं देखे होगा तो आप अज्यूम कर लीजिएगा वहां पर एफ 250 टू फिफ्टी विच मींस दट यू यू आर यूजिंग एफ ई फोर हंड्रेड टेन ओके तो गामा एम नॉट दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज वन पॉइंट वन ये भी लिख के रख लेंगे और एप्सिलानवल्स अंडर रूट ऑफ टू फिफ्टी बाई एफ आई एफ वाई है वी हैव टू फिफ्टी रूट ऑफ टू फिफ्टी बाई टू फिफ्टी दैट इज इक्वल टू वन तो यह हमारा गिवन आ गया अनोन क्या है हमारे पास अनोन हमारे पास पी डी है दैट इज द डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन ये हमें निकालना है अब हम स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन देख लेते हैं आप चले जाइए पहले आई एस कोड पेज नंबर फोर्टी सेवन फोर्टी एट मतलब पर्टिकुलरली पेज नंबर फोर्टी एट पर 48 पे आप चले जाइए देख लीजिए पेज नंबर फोर्टी एट में आपको इस सिंगल एंगल स्ट्रट का सब कुछ देखे हैं ठीक है आपको हमें पता है दैट सिंगल एंगल स्ट्रट में जब मैंने आपको इसका डिजाइन प्रोसीजर बताया था हेर इज द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ सिंगल एंगल स्टार्ट इसमें हमें लास्ट पे निकालना होता है पी डी इज इक्वल टू ए एंटू एफ सी डी वेर एफ सी इज इक्वल टू एफ वाई बाई गई फाइव प्लस स्क्वायर माइनस लैमडा ई स्क्वायर हो रेस्ट पार्स जीरो पॉइंट फाइव ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर थर्टी फोर ऑफ आयस कोड ठीक है तो इसमें हमें एफ एफसीडी की रिक्वायरमेंट है एफ एफसीडी की रिक्वायरमेंट है एफ वाई हमें पता है गामा एम नॉट हमें पता है फाइव हमें निकालना है लैमडा ई e हमें निकालना है तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं लैमडा ई डा एक ही इक्वेशन मैंने ये आपको बोल दी है यही पेज नंबर फोर्टी एट पे है लैमडा एक ही इक्वेशन दैट इज अंडर रूट ऑफ के वन प्लस के टू गा लैमडा वीवी स्क्वायर प्लस के थ्री लैमडा फाइव स्क्वायर ओके आप यहाँ पर एक करेक्शन कर दीजिएगा जो लैमडा वी वी फाइव है इसमें में आप इस अंडर रूट दोनों जगह पे बट दिस ऑफ स्टील ओके वो नीचे फिर आप लिख लीजिएगा इज द मॉड्यूलस एंड इज इक्वल टू टू इंटी टेमेज एम पी ए हमें पता चल गया हमारे सिंगल एंगल स्ट्रट की इन्फॉर्मेशन हमें बुक में कहां पर मिलेगी ये मिलेगी पेज नंबर फोर्टी एट पर अब चलते हैं आगे हमें पीडी के लिए अनोन्स ए ई है और एफ सी डी है ए ई निकालना इजी है इसीलिए पहले हम ए ई ही निकालेंगे बाद में एफ सी डी के uh, को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे हम ए इज द इफेक्टिव एरिया ये हमें स्टील टेबल में मिलेगा टेबल नंबर वन तो चलते हैं अब स्टील टेबल में टेबल नंबर वन पे ये देख लीजिए या आ गया रोल्ड स्टील इक्वल एंगल्स क्योंकि हमें 110 क्रॉस 110 हंड्रेड टेन एम मीनस इक्वल है टेबल नंबर वन कंटिन्यूड डायमेंशन एंड प्रॉपर्टीज इसमें अब हम अपना क्या ढूंढेंगे वी विल फाइंड आई ए वन हंड्रेड टेन क्रॉस वन हंड्रेड टेन हेयर वी हैविट इसमें अब इसकी थिकनेस क्या है हमारी टेन एम एम हेयर वी इट अब ये वाला जो हमारा ये वाला रो है इससे हम क्या बनाएंगे आई डी कार्ड अपने इस एंगल uh, का ठीक है तो आई कार्ड बनाने की वैसे यहां पर हमें जरूरत है नहीं क्योंकि ये डिजाइन का क्वेश्चन नहीं है तो आई कार्ड हम कब बनाते हैं जब हम डिजाइन करते हैं अपने सेक्शन uh, को यहां पर हमें डिजाइन ही करना सिर्फ पेडी निकालना है सो वी डू नॉट नीड द आईडी कार्ड हमें फिर इस रोम में चाहिए क्या हमें इस रोम में सेक्शनल रो एरिया चाहिए दैट इज 21.06 वन पॉइंट जीरो सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर वैन वील मल्टीप्लाइड बाई टेन वैन वील मल्टीप्लाइड बाई टेन क्वायर वेन विल मल्टीप्लाइड बाई टेन स्क्वायर दैट इजी वन पॉइंट मल्टीप्लाइड स्क्र और हंड्रेड दैट विलवल टू टू वन जीरो सिक्स एम एम स्क्र ये देख लीजिए ठीक है तो ये आ गया हमारा ए ई का वैल्यू निकल के आ गया हमें और एक चीज हम इसमें अपना uh, निकाल के रखेंगे दैट इज आर मिनिमम ली रेडियस ऑफ गेरिएशन ठीक है देख लीजिए ली रेडियस ऑफ गेरिएशन हमारा आर मिनिमम जो है वो यहां पर हमें देखे हैं हेर वी हैव वेट है आपको पेज टर्न करना पड़ेगा टेबल नंबर वन पर से कंटिन्यूड पेज नंबर किस पे है ये पेज नंबर फाइव पे uh, यहाँ पर अब हमें निकलेगा दूसरे पेज पे रेडियस ऑफ गेरिएशन दिस इज 110 क्रॉस 110 इसमें हमारा 10 एम uh, थिकनेस mm दूसरे रो में आ रहा था तो so, हमें दूसरा रो कंसिडर करना है मीन्स दिस रो दिस रो तो इस रो में अब हमें क्या ढूंढना है रेडियस ऑफ गायरिएशन बट विच रेडियोस ऑफ गायरिएशन इसमें आप देख सकते हो तीन रेडियोस ऑफ गायरेशन हमारे पास बट वी हैव टू सेलेक्ट द मिनिमम वन मिनिमम वन है हमारा आर वी वी सो आर वी वी इज ईक्वल टू टू पॉइंट वन फोर इज इक्वल टू आर मिनिमम दैट इज रेडियोस गायरेशन ओके ये हो गया टू पॉइंट वन फोर सेंटीमीटर्स तो जब हम इसको मल्टीप्लाई फिर करेंगे हंड्रेड से वैन वील मल्टीप्लाइड बाई टेन बिकॉज यहां पर सेंटीमीटर्स है सिर्फ ठीक है सो वील मल्टीप्लाइड बाई टेन वील गेट ट्वेंटी वन पॉइंट फोर एम एम आगे बात सही हमारी अब हम क्या अब हमें क्या अननोन है हमारा अननोन अब ये एफ सी डी है ठीक है ये एफ सी डी अब हम निकालने की तैयारी में करेंगे एफ सी डी की फार्मूला ये है ये मैंने आपको इस लेक्चर में बोल दिया था ये आपको मिलेगा पेज नंबर थर्टी फोर में ये वाला फार्मूला ठीक है ओके तो लैमडा ई हम पहले निकालेंगे क्योंकि अननोन पहला वही है हमारे पास उसकी फार्मूला भी मैंने आपको दिखा दी अब ये के वन के टू के थ्री आपको कहां पर निकलेगा ये आपको वहीं पर उसी पेज नंबर पे निकलेगा जहां पर आपको फॉर्मूला देके हैं चलिए टेबल नंबर ट्वेल्व पे ये देख लीजिए ये है हमारा टेबल नंबर ट्वेल्व पेज नंबर फोर्टी एट ठीक है देख लीजिए इसमें आपको अब दो केसेस देखे हैं यहां पर अगर आप देखोगे आपको देखे हैं नंबर ऑफ बोल्ट एट ईच एंड कनेक्शन यही मैंने आपको बोला था यहां पर आपको क्वेश्चन में देखे था विथ सिंगल बोल्टेड कनेक्शन ठीक है तो आपको देखे हैं सिंगल बोल्टेड कनेक्शन मीन्स आपको यहां पर ये वाला रोड जो है वो कंसिडर करना है अगर क्वेश्चन में आपको नहीं देखे होगा कि नंबर ऑफ बोल्ट कितने एट च एंड कनेक्शन तो बाई यू विल कंसिडर इट टू बी वन ठीक है और अगर क्वेश्चन में देखिए होगा तो आपको अकॉर्डिंगली वही देखना है तो हमें क्वेश्चन में देखे हैं वन वन के बाद हम देखेंगे हिंजड वाला केस हिंज वाले केस में अब हमें तीनों K1, K2, K3 के वन के टू के थ्री के वैल्यूज लिख लेंगे

तो ये हम कैलकुलेटर में डाल देंगे देन वॉट विल बी डू इवेलुएटेड एंड हमारा आंसर वन पॉइंट थ्री वन आ जाएगा ओके okay? उसके बाद लैमडाफाई लैमडाफाई की इक्वेशन भी हमारी यहाँ पर देखे हैं बी वन प्लस बी टू डिड बाई टू टी डिड बाई सूट ऑफ पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी तो ये आ गया हमारा बी प्लस B1 वन प्लस बी टू ठीक है वट इज दिस B1 वन प्लस बी टू ये वाले दो डायमेंशन B1 वन प्लस बी टू मतलब अगर आपका अगर आपका ये ऐसा एंगल है ये ऐसा है एंगल सो दिस इज बी वन एंड दिस इज बी टू ठीक है ना सो दिस इज बी वन दिस इज बी टू ऑल राइट ओके तो कहाँ थे अब हम ये बी 110 वन 110 बी टू वन हंड्रेड टेन डिवाइडेड बाई टू टी थिकनेस कितनी है हमारी टेन एम एम डिवाइडेड बाई एप्सुलन हमारा वन है अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर ई इज टू इंटू टेन रेज टू द पावर फाइव डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी तो ये जब आप सॉल्व करते हो हमारा आंसर पॉइंट वन टू थ्री सेवन आता है जो हम राउंड ऑफ करके पॉइंट वन टू फोर रख लेंगे तो हमारे पास के वन के टू के थ्री भी आ गया लैमडा बी बी भी, भी, भी आ गया लैमडा फाइव भी, 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 भी आ गया इसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे दैट इज अंडर रूट ऑफ

दूसरा अनन जो हमारी एफसीडी वाली फार्मूला में है दैट इज फाइव ठीक है फाइव के लिए भी हमें फार्मूला पता है क्या है फार्मूला फाइव की हमारी पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस एल्फा एंड वन प्लस एल्फा ब्रैकेट स्टार्ट लैमडा ई माइनस जीरो पॉइंट टू प्लस लैमडा ई स्क्र ठीक है अल्फा हमें कहां पर निकलेगा अल्फा हमें निकलेगा ये मैंने आपको यहां पर बोल दिया है ना ये अल्फा आपको पेज नंबर थर्टी फाइव में निकलेगा टेबल नंबर सेवन चलते हैं उधर ये देख लीजिए ये हमारा इम्परफेक्शन फैक्टर का टेबल अल्फा है अब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना हमें बकलिंग क्लास क्या लेना है क्योंकि जब हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने दिया था सिंगल एंगल स्ट्रट का वहां पर मैंने आपको बोल दिया था फॉर एनी एंगल सेक्शन कोई भी जो आपका एंगल सेक्शन है ठीक है उसके लिए आप बकलिंग क्लास सी लेते हो ठीक है तो ये हमारा बकलिंग क्लास सी है और ये किस टेबल से हमने लिया था पेज नंबर थर्टी पे टेबल नंबर सेवन ओके अब हमारा बकलिंग क्लास सी है तो हमारे अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर नाइन ठीक है तो ये पुट कर देंगे हम जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस एल्फा का वैल्यू जीरो पॉइंट फोर नाइन लैमडा ई हमने अभी निकाल दिया वन पॉइंट सेवन फोर माइनस जीरो पॉइंट टू प्लस लैमडा ई इज वन पॉइंट सेवन फोर स्क्वायर तो ये जब हम एवेलुएट करते हैं हमारा फाई का आंसर टू पॉइंट थ्री नाइन वन आ जाता है नाउ नेम दिस एस बी अब हम क्या करेंगे वील पुट ए एंड बी इन सी एक तो इस फाई का वैल्यू और इस लैमडा ई e का वैल्यू हम इस एफ सी डी की इक्वेशन में पुट कर देंगे सो दैट इज इक्वल टू टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन डिवाइडेड बाई टू पॉइंट वन प्लस टू पॉइंट थ्री नाइन वन माइनस वन पॉइंट सेवन फोर होल रेस्ट बार जीरो पॉइंट फाइव जब हम इवेलुएट करते हैं तो हमारा एफ सी डी का वैल्यू फिफ्टी सिक्स पॉइंट थ्री एट न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आ जाता है अब हमारे पास एफ सी डी भी है और हमारे पास जहां पर ये एरिया हमने निकाला था ये एरिया ये भी है सो वी हैव ए वी हैव एफ डी व्हाट विल बी फाइंड वील फाइंड द डिजाइन कॉम्प्रेस स्ट्रेंथ पीडी तो पी डी इज इक्वल टू ए इंटू एफ सी डी पी इज इक्वल टू टू वन जीरो सिक्स दट वॉज आर ए मल्टीप्लाइड बाई एफ सी डी दट इज फिफ्टी सिक्स पॉइंट थ्री एट सो वील गेट वन वन एट सेवन थ्री सिक्स न्यूटन्स ये न्यूटन्स में है तो हम हमें अगर किलो न्यूटन में चाहिए हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे थाउजेंड से तो हमारा जो पी डी है इट विल कम आउट टू बी वन हंड्रेड एटीन पॉइंट सेवन फोर किलो न्यूटन इसका मतलब आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन है ऑफ वन हंड्रेड टेन क्रॉस वन हंड्रेड टेन क्रॉस टेन एम एम डायमेंशन इसके लिए आप की डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 118.74 किलो न्यूटन आ जाती है तो ये था हमारा क्वेश्चन सिंगल एंगल स्ट्रट का अब हम नेक्स्ट वीडियो में डबल एंगल स्ट्रट पे क्वेश्चन करेंगे